देखते होंगे कि सिंदूर कैसे बनता है, तो यही है जो सिंदूर का पेड़, जो सिंदूर इससे बनता है। ये कौन सा पेड़ है? ये पोटोकार्पस है। ये है पोटोकार्पस, वो है देखो मनी प्लांट, उसको लगाने के बाद बहुत पैसे आ जाते हैं। लगा लो आशु, बहुत पैसा आएगा हमारे पास। हवाई जहाज नहीं लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बंदे का व्लॉग्स। तो वीडियो देखकर आप समझ गए कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं नर्सरी। नर्सरी मतलब जहाँ पे फूल पेड़ का बगीचा होता है, जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, लोग अपने वाटिका में लगाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब कितने वैरायटी के फूल होते हैं, कितने वैरायटी के पेड़ होते हैं, और सस्ते दामों में भी आपको आराम से यहाँ मिल जाएंगे। और आप चाहोगे तो आपको यहाँ से कुरियर भी हो जाएगा, कुरियर होने का भी सिस्टम होता है पूरा यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारा अच्छे से सिस्टम से, तो आप देखिएगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और काफ़ी नॉलेजबल होगा आपके लिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, बीच में इंजॉय करते हुए पहुँचते हैं हम नर्सरी के पास। तो गाइज ये हम आ गए हैं रिंग रोड, जो कि अभी नया नया बना हुआ है, लगभग मुझे लगता है 3-4 साल ही होंगे हुए होंगे। तो गाइज जब आप इलाहाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये रिंग रोड मिलेगा। मतलब कि अगर बनारस में इसको बनाने का मेन रीज़न ये था गवर्नमेंट का कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक लगते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था। तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए तो जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे विश्व सुंदरी रोड से, मतलब दिल्ली से, इलाहाबाद से, जितने भी लोग आते हैं प्रयागराज से जितने भी लोग आते हैं, तो उनको बनारस के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ़, ऐसे बहुत जगह है जो आप बाहर ही बाहर निकल सकते हैं, तो आपको ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रोड इसीलिए मेन बनाया ही गया है। आप देख सकते हैं ऊपर विंध्याचल 63 किलोमीटर, प्रयागराज है, दिल्ली है। तो ये हाईवे पकड़ के आप सीधा प्रयागराज चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए। मतलब ये रोड बनने के बाद हमें भी बहुत आराम मिल गया। पहले हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लगभग हमें आधे एक घंटे लग जाते थे, बट आज हम 20 मिनट में एयरपोर्ट अपने पहुँच जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड कितना लंबा है और कहाँ तक है, पूरा दिखाऊँगा आपको। उसके बाद हम चलेंगे नर्सरी इसी रोड। गाइस देखिए, कोलकाता 690, प्रयागराज 105, मिर्ज़ापुर 47 किलोमीटर है यहाँ से। मतलब इतना बढ़िया हाईवे है कि आधे घंटे एक घंटे में हर जगह आसानी से पहुँच जाओगे। हालांकि कोलकाता नहीं पहुँच पाओगे एक घंटे में, हवाई जहाज़ नहीं लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, ठीक है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं राजा तालाब। राजा तालाब से हम लेफ्ट होंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे, तब हमारा आएगा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जाने वाले हैं नर्सरी। उससे पहले आप देख सकते हैं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र धीरे चढ़ते। तो गाइज हम आ गए ये प्रयागराज रोड पर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोड है। मोदी जी आपको सल्यूट है कि आपने जो है ऐसा सा काम कराया है। आपको सल्यूट बाद में करूँगा, पहले नितिन गडकरी को करूँगा। नितिन गडकरी को मैं सल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो गाइज फाइनली हम पहुँच रहे हैं अपने नर्सरी वाले लोकेशन पर, जहाँ पर हमें दिखाना है कौन कौन से पौधे हैं, कौन से पेड़ हैं जो आपको लगाना चाहिए, कौन सा पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है, और इस पेड़ को लगाने से घर का जो सजावट होता है वो खूबसूरत हो जाता है। तो बस इंतज़ार करिए, 2 मिनट हम पहुँचने वाले हैं। तो ये है विजय नर्सरी, तो यहीं पे हम लेने वाले हैं। तभी उतरता हूँ और आपको सारा डिटेल में देता हूँ इनसे बात करके। तो चलिए निकलते हैं। आप बात भैया, आपके नर्सरी का नाम क्या है भैया? विजय नर्सरी। विजय नर्सरी, तो विजय नर्सरी में हम आए हैं और भैया हमें सारा फूल का डिटेल बताएंगे, पेड़ का डिटेल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और कुछ पेड़ मैं आपको खरीद के भी दिखाऊँगा, जो वैसे मैं लेने आया हूँ खिलने वाला पेड़। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छा पेड़ है जो घर के अंदर लगाना चाहिए, बाहर, वैसे मेरा लान है तो लान के लिए भी मैं पेड़ लेने आया हूँ। तो भैया सारा मुझे बताएंगे धीरे धीरे, और उसमें से मैं कुछ खरीदूंगा और आपको बता दूंगा प्राइस के साथ। और यहाँ पे मतलब अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है, सस्ते में भैया देते हैं, मतलब जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से दे देंगे। और आप वो करते हैं क्या, जैसे अगर कोई बाहर से ऑर्डर करता है तो जी। तो अगर कोई बाहर से भी ऑर्डर करता है तो भैया उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। तो भैया बताइए कुछ पेड़ के बारे में बताइए फिर। देखिए परमानेंट फ्लावर्स में आपको जो चाहिए, परमानेंट फ्लावर में देखिए आपको गुलाब मिलेगा। तो ये गुलाब का पेड़ है जी। अच्छा, ये आपका हमेशा फूलता है, ये हमेशा फूल। हाँ, परमानेंट फ्लावर में आपका क्या है कि कुछ ही पौधे ऐसे होंगे जिसमें दो महीना कैसे देखिए, सबसे ज्यादा ये फूलता है। हाँ। गुड़हल
ये गुड़हल है हाँ। ये तो अच्छा लग रहा है वैसे। मेरे पास भी गुड़हल है बट वो गांव वाला जो गुड़हल है हाँ, ये वाला ये अच्छा लग रहा है। ये आपका लगेगा, ये साइज छोटी रहेगी हाँ। लेकिन बहुत क्वांटिटी। अच्छा तो इसका रेट क्या है वैसे? एक ये आपका 40 रुपए का है। ये 40 रुपए का, ये देसी गुलाब आपका 10 रुपए का है। तो आप करिए ऐसा करिए, इसका निकाल दीजिए मेरे, एक निकाल दीजिए बढ़िया सा आप देख कर मेरे लिए। तो अभी मैं एक गुड़हल ले रहा हूँ, ये मतलब मेरे पास गुड़हल है बट वो देसी है और ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये है एक फूला, फूला कोई भी ले लीजिए, फूला या आप दे दीजिए ना, वो दिखाने के लिए ठीक रहेगा हाँ। तो एक मैंने जो भैया से अभी खरीद लिया ये वाला, और अभी और हम देखेंगे इससे आगे चल के। और बता दीजिए भैया कुछ बड़े पेड़ में बताइए जो अच्छा लगता है बाहर के। बड़े पेड़ में देखिए आपको लगाना है तो टिकोमा का लग दिए, लेकिन इसका बड़ा पौधा ये है वो पीला वाला हाँ। तो इसमें दो कलर आएगा, एक येलो वाला दिखा दो उनको 500। देखो ये टिकोमा है और ये काफ़ी अच्छा वैसे इसका खिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में हाँ। मैंने इसको एक पार्क में देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। दो कलर आते हैं नहीं अच्छा है ये, बढ़िया है। ये छोटे छोटे गमलों के लिए भी बेटर है, ये छोटे छोटे गमलों के लिए भी मतलब छोटे गमले में भी लग जाता है ये जी। आपका जैसे छोटी साइज कम से कम 10 इंच, जैसे ये मिट्टी के पॉट है छोटे हाँ, उसमें भी लगाएंगे तो भी आपका सक्सेस लग जाएगा जी, फूलता भी ज्यादा है। और दिखाइए आपके हिसाब से जो अच्छा हो लगाने लायक। कुंद देखिए वाइट फूला हुआ है वो। अच्छा कुंद, ये वाइट वाला कुंद है, दिखा दो थोड़ा आशु इसको पास से दिखा दो जो भैया ने दिखाया। अब यार इसको पूजा के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ये देखो कुंद है मामा क्या, ये कुंद है जो जितना भी देख रहे हो ये वाइट है, इसको हम पूजा के लिए मतलब मेरी मम्मी मांगती है, ये पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं ना हाँ। तो ये भी एक निकाल दीजिए मेरे लिए। वैसे इसका रेट क्या है? ये आपका जैसे बड़ा पौधा है हाँ? ये आपको पड़ेगा 100 रुपये हाँ। इसका छोटा पौधा उधर साइड में रखा हुआ नहीं, तो बड़ा वाला दिखा दीजिए, ये वाला निकाल दीजिए, आप अपने हिसाब से निकाल दीजिए जो अच्छा लगे आपको ठीक है। ये हो गया एक कुंद, ये मैंने ले लिया, बढ़िया है अच्छा है। और बता दीजिए भैया कुछ जो घर में रौनक ला सके ऐसा कोई पेड़ हो, मतलब घर के अंदर के लिए कौन सा पेड़ होगा? घर के अंदर के लिए आपके ये पाम्स की वैरायटी है। कौन सी पाम की इधर मतलब शेड में ये जितने हैं। अच्छा ये सब घर के अंदर लगा सकते हाँ। हैं मतलब धूप नहीं लगेगा तभी ये चल जाएगा, मिलेगा खुली हवा मिलनी चाहिए। अच्छा 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 ठीक है, आप शेड में भी लगा सकते हैं ओके। ये तो बढ़िया लग रहा है वैसे, ये सब सजाने के लिए मतलब इस ये कौन सा पेड़ है? ये पोटोकार्पस है। ये है पोटोकार्पस जी, बढ़िया। तो ये सब मतलब ये सब बिना धूप के भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना हाँ। घर पे रह सकते हैं फिर तो बढ़िया है। ये जलकुंभी है क्या ये जो? नहीं हाँ ये वाटर लिली बोलते हैं। अच्छा वाटर लिली है, और गांव में लोग कमल भी बोलते हैं, लेकिन कमल अलग हो गया, ये वाटर लिली है। ये खिलता भी है हाँ, ये खिलता है बरसात, मतलब वो कमल की तरह खिलता है या कमल की तरह? बढ़िया है फिर तो। और दिखा दीजिए मुझे कुछ खिलने वाला फूल दिखा दीजिए भैया जो मुझे लेना है सबसे, और कुछ बताओ। फूल वाले पौधे सब इधर ही बाहर में है। अच्छा, इधर जितने मतलब छांव में है हाँ। ये सब आपके सिर्फ पत्ते वाले हैं। अच्छा, फूल वाले पौधे आपके इधर धूप में, और जो आगे बिल्कुल रोड पे रखे हैं हाँ हाँ। वो आपके सीजनल है इसलिए वो एकदम फ्रंट पे रखा हुआ। अच्छा, है मतलब वो कभी सीजन बाई आते हैं बस, वो ठंड तक आपका रहेगा, बहुत रहेगा अप्रैल मार्च अप्रैल, उससे ज्यादा नहीं ठीक है। और अब भैया मुझे टिकोमा के दूसरी वैरायटी दिखाएंगे, जो टिकोमा का बड़ा वाला पेड़ दिखा था येलो कलर में, तो उसी में दूसरी वैरायटी दिखाएंगे मतलब दूसरे कलर में, एक गुलाबी में है और एक रेड में है। तो गुलाबी भी जो है काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है, आप देख सकते हैं 3 फूल हैं जो गुलाबी के, तो ये भी टिकोमा वैरायटी के ही है। वो जो ऊपर आप देख रहे हैं येलो कलर का, तो उसी टिकोमा वैरायटी का भी ये पेड़ है। तो मैंने भैया से बोला कि एक गुलाबी में निकाल दीजिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक खिलता रहता है। तो भैया ने मेरे लिए एक बढ़िया से जो है पेड़ निकाल के रख दिया है, और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 110 रुपये है। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि गमला भी छोटा सा है तो बढ़िया है, येलो ये गुलाबी कलर खिलेगा, काफ़ी सुंदर भी लगेगा जितना घना होगा। तो अब भैया मुझे जो दिखाएंगे एक एजलोमा करके एक पेड़ है जो येलो कलर में आता है, वो भी छोटा सा होता है बट काफ़ी घना होता है। तो वो पेड़ जो है मैं सोच रहा था कि ये भी मैं ले लूँ एक भैया से, तो मैंने कहा कि भैया आप ये भी निकाल दीजिए, और इसका भी प्राइस जो है काफ़ी नॉर्मल है, तो इसका प्राइस जो है 60 रुपये है। तो ये भी मैं ले लूँगा, काफ़ी अच्छा खिलेगा, हालांकि इसको मुझे ज़मीन के अंदर लगाना पड़ेगा, गमले में नहीं लगा सकता क्योंकि ये बड़ा होगा थोड़ा सा, तो इसको मैं साइड में लगाऊंगा, काफ़ी अच्छा है। अब सबसे बेस्ट जगह आपको लेकर चलता हूँ, ये सिंदूर का पेड़।
ये है सिंदूर का पेड़ जो आप देखते होंगे महिलाएं लगाती हैं, माता जो देवी माता को हम लोग चढ़ाते हैं सिंदूर, ये उसी का पेड़ है, ये उसी का फल है। तो अभी इसका जो है फल तोड़ेंगे, इसमें चेक करेंगे, देखिए इसमें कुछ बीज की तरह होता है, जो बीज की तरह होता है इस बीज को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसको जब रगड़ते हैं, आप हाथ पे रगड़ेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा सिंदूर कलर, एकदम क्लियर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये सिंदूर का ही पेड़ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रगड़ने के बाद कैसा सिंदूर वाला कलर आ रहा है ना। तो ये सिंदूर कैसे बनता है, तो यही है जो सिंदूर का पेड़, जो सिंदूर इससे बनता है। अरे सच में यार, तो ये तो पूरा ओरिजिनल सिंदूर लग रहा है, पाउडर इसी का बनता है। ये तो बढ़िया है फिर, अच्छा है ये तो। और ये कौन सा पेड़ है वैसे? ये गुलचीन का है, ये भी फूल वाला है। अच्छा ये हाँ। ये फूल है? सब फूल का है पौधे। देखिए अभी इधर जो आप बाहर देख रहे हैं ना, हाँ। इस टाइम क्या है कि बसंत ऋतु का समय है, हाँ। तो बहुत ज्यादा फूल नहीं फूलते हैं परमानेंट, तो अभी सीजनल चलता है। परमानेंट इधर जितने भी है सब फूल के ही है, बस फूले हुए नहीं है, इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, फिर तो बढ़िया है ये सब। वैसे मैंने तीन ले लिया, और कोई है एकाक दो और हो तो बता दीजिए जो कि खिलने वाला हो। ये अंजीर है, इसमें क्या होता है? अंजीर फल कहते हैं भैया। अच्छा अंजीर जो फल होता है ना जी, वही। अच्छा ठीक है। और मोगरा कहाँ गया आपका? मोगरा ये रहा, ये है मोगरा। ये तो है मेरे पास लेकिन, हाँ ये सीजन नहीं ना अभी, ये आपका मार्च से फूलना स्टार्ट होता है। अच्छा ये छोटा वाला नहीं है क्या आपके पास? मतलब एक छोटा छोटा फूल जो खुलता है वो टेंगरी बोलते हैं, चांदनी जो पांच पंक्ति की होती है ना, हाँ हाँ, हाँ वो मिल जाएगा, वो दे दीजिए। ये तो है मेरे पास मोगरा वाला, है मेरे पास। ये तो काफी बड़ा भी हो गया है, अब फूलता भी अच्छा है। टेंगरी दे दीजिए वो वाला, इसमें खुशबू होता है, उसमें खुशबू नहीं होता है। खुशबू से क्या मतलब, भगवान तो वैसे ही देख के खुश हो जाएंगे। अरे वाइट वाइट फूल, तो आ जाओ। आज सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मैंने जो है सिंदूर का पेड़ देखा है, अभी तक मैंने सिंदूर का पेड़ नहीं देखा था। ये है ना वाइट चांदनी, तो ये भी भैया खिलता रहता है ना हमेशा? मतलब ये बस आपका जनवरी फरवरी छोड़ के हमेशा फूलता है। जनवरी फरवरी सोच के तब ठीक है, फिर तो बढ़िया है। उधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ है। वो आओ, ये हमारा ही है ना? हाँ। ये नहीं है ना, ये हमारा ही है। हाँ, ये है। पिंक वाला। अच्छा ठीक है, वो सामने देखिए गुड़हल है। कहाँ है वो गुड़हल? गुड़हल को, गुड़हल भी मैंने लिया था ना। हाँ, वो आपका आगे रखा गया। अच्छा आगे रखा है, ठीक है। तो आ जाओ, हमने तो चार पांच फूल ले लिया जो कि आठ से नौ महीने खिलते रहते हैं, तो हमें ज़रूरत वही था, क्योंकि मेरी मम्मी बोली थी कि पूजा के लिए जो है कुछ ऐसे पेड़ लेना जो कि हमेशा खिलता रहे ताकि हम उससे पूजा पाठ कर सकें। तो ये भैया ने जो है चार हमें दे दिया है। बाकी बहुत सारे पेड़ के बारे में आपको बता दिया, सिंदूर के पेड़ के बारे में। और ये सब जो है ये सब शो ऑफ के लिए लगाते हैं लोग ज़्यादातर बाहर, ये भी अच्छा होता है। एक दो तीन चार पाँच पेड़ हो गया हमारा जी। और अच्छा ये सब भैया, ये सब मतलब बिना धूप के लगा सकते हैं ना? बिना धूप में। अच्छा ये मनी प्लांट है क्या या कुछ और? नहीं, है कैप्टस। ये कैप्टस है? हाँ। मतलब इसका ये भैया जो बालू वालू में खिलता रहता है, बिना पानी के भी चल जाता है ये। और मनी प्लांट, अच्छा मनी प्लांट तो वो है यार, वो है मनी प्लांट ना, वो मनी प्लांट वो है। देखो मनी प्लांट, उसको लगाने के बाद बहुत पैसे आ जाते हैं। लगा लो आशु, बहुत पैसा आएगा हमारे पास। इसका भी तो लोग मतलब इसको शुभ मानते हैं लोग। सबका अपना अपना राय विचार, अपना अपना राय विचार होता है ना। अच्छा है, बाकी सब बढ़िया। और जो बाहर आपने पेड़ लगा रखा है वो सब सीजनल है? सीजनल है, मतलब कभी किसी किसी मंथ का। वो नवंबर से स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल तक चलेगा। मार्च अप्रैल तक चलेगा, छः महीने। ठीक है, चलिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गया आपसे, और मैंने दो चार पेड़ भी खरीद लिया तो अच्छा लगा आपसे मिल गया। सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा, कि ये सिंदूर का पेड़ मेरे से बहुत नया था जी। अच्छा तो आप इसको बेचते भी है क्या जी? इसका पौधा बिकता है अभी, इसका पौधा खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, तो अगर इस बार आएगा तो मुझे बताइएगा, वैसे मैं ज़रूर आऊँगा आपसे लेने। मार्च में मिल जाएगा आपको वो? मार्च में मिल जाएगा जी। ठीक है, अच्छा लगा मुझे वैसे देखने ना, पूरा हाथ में सिंदूर सिंदूर हो गया मेरे। तो ठीक है भैया, मुझे फिर बता दीजिए इसका जो भी रेट होगा, मैं पैसे देता हूँ। बाकी अच्छा लगा आपसे वीडियो बनाकर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम। तो गाइज ये है विजय नर्सरी, जिस जहाँ से मैंने भैया से इन्फॉर्मेशन ला, काफ़ी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सारे पेड़ के बारे में आपको बताया जो जो मेन होते हैं जो बाहर लगाने। तो ये जो आप बाहर जितने भी पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब सीजनेबल, मतलब ये किसी किसी महीने जो है खिलते हैं, बाकी महीने जो है नहीं खिलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि भैया ने मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, और ये भी बता दिया कि ये जो है ये किसी किसी सीजन खिलते हैं, और जो बीच में आप देख रहे हैं
इसके बीच वाला जितना भी आप पौधा देख रहे हैं ये सब बिना सूरज के भी आप घर में भी इसको लगा सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा लगाने में। आप आराम से इसको लगा सकते हैं, इसको अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बिना धूप के भी लगा सकते हैं। ये हमेशा जो है ऐसे ही हरे भरे रहते हैं, बस फूल नहीं होते इसमें, हरे भरे रहते हैं। उसके पीछे जो है जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले, वो सारे जो है पेड़ हमेशा 8 महीने 9 महीने उसमें फूल खिलते रहते हैं। और इसके साइड में आप जो देख रहे हैं भैया का जो है ये गमले हैं, हर कलर के आपको गमले मिल जाएंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगे, पानी देने का, बीज देने का, खाद देने का, खाद का भी सारा सिस्टम होता है। ये आप देख सकते हैं सारा भैया का जो है खाद का सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे सारे गमले मिलते हैं, तो आप भैया से गमला भी खरीद सकते हैं। देखिए हर डिज़ाइन के, हर कलर के गमले यहाँ पे, प्लास्टिक के वो सारे मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बगल में पेड़ ले लो और फिर यहाँ से गमले खरीद लो, ये बढ़िया है। तो आप यहाँ से भी गमले सारे खरीद सकते हैं पानी देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी देने के लिए बड़े बड़े गमले, छोटे गमले, सारे गमले यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप गमले जो है खरीद सकते हैं, हर कलर के पत्थर के जो गमले के हमें डालते हैं। ये है हरिओम इंटरप्राइज। तो ये हो गया हमारा पेड़, सब आ गया, ये सब सारा खिलने वाला पेड़ लिया है मैंने मम्मी के लिए। इसमें जो फूल आते रहेंगे और भगवान को जो है अर्पण होते रहे, सब भगवान के लिए मैंने लिया है, ताकि 8 महीने फूल खिलते रहें और मम्मी मेरी पूजा पाठ करती रहें, ताकि उनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा सारा पेड़, ये सारा हो गया ना, हो गया ना। हाँ, ये था आज का ब्लॉग हमारा नर्सरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग है और बहुत अच्छा ब्लॉग है, मेरा भी मानना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, ठीक है, दुनिया बचाओ। तो इसीलिए मैंने आपको नर्सरी का वीडियो बनाया, ताकि आप भी अपने घर पे जो है, अगर आप हर महीने 2-4 पेड़ भी लगा रहे हैं तो आप नेचर को बचा रहे हैं। इसलिए ऐसे वीडियो लोगों को देखना भी चाहिए और उससे इंस्पायर होकर पेड़ लगाना भी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो आप भी ऐसे वीडियो देखिए, इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग ऐसे वीडियो देखकर अपने घर में पेड़ लगाएं, अपने गार्डन में पेड़ लगाएं, अपने वाटिका में पेड़ लगाएं। तो फिर आज का ब्लॉग यही था, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक पेड़ लगा देना, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।